नमस्कार, न्यूज चेड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर 6 बजे में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। योगी सरकार का परिवार कार्ड बनाने का फैसला। कार्ड से वंचित परिवारों को किया जाएगा चिन्हित। नौकरी स्वरोजगार से वंचित परिवार होंगे चिन्हित। हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। योगी सरकार ने परिवार कार्ड बनाने का फैसला किया है। कार्ड से वंचित परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। नौकरी और स्वरोजगार से वंचित परिवार चिन्हित किए जाएंगे। हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। हालांकि बहुत पहले सीएम योगी ने ये साफ कर दिया था कि हर परिवार से एक व्यक्ति नौकरी करेगा, और ऐसे में अब जिस तरीके से परिवार कार्ड की बात सामने आ रही है, योगी सरकार का ये बड़ा फैसला है, हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का लक्ष्य। हालांकि स्वरोजगार से भी उन्हें जोड़ा जाएगा और इस कार्ड के जरिए चिन्हित किया जाएगा। नौकरी स्वरोजगार से वंचित परिवार को इस कार्ड के जरिए चिन्हित किया जाएगा। हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का लक्ष्य। तो ये ट्वीट भी किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने परिवार कार्ड की जानकारी देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह पोस्ट किया है। लिखा है उसमें, हम लोग परिवार कार्ड जारी करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार से वंचित परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। राज्य सरकार का प्रयास होगा कि हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ा जाए। तो फेसबुक पोस्ट ये जिसके जरिए ये बड़ी घोषणा की गई है सरकार की तरफ से, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की योजना को लेकर परिवार कार्ड बनाया जाएगा, जिससे चिन्हित किया जाएगा कि परिवार में कोई व्यक्ति कमाने वाला नहीं है, तो उसे स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ा जाएगा। मिशन रोजगार के तहत लखनऊ में एमएसएमई ऋण मेले का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने 1.90 लाख लाभार्थियों को 16,000 करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में उनके खाते में भेजी। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एमएसएमई ऋण मेले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी वित्त पोषण योजना के लाभार्थियों को लाभ मिला। इसके अलावा सीएम ने साल 2022-23 के लिए 2.35 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना का भी शुभारंभ किया। सीएम योगी ने इस दौरान लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर प्रदेश को विकास के पथ पर लाया है। 2017 के पहले की सरकारों के पास इच्छा शक्ति नहीं थी। ये नौकरी के लिए भटकता हुआ नौजवान होना चाहिए या नौकरी देने वाला होना चाहिए, और मुझे लगता है इन योजनाओं ने नौकरी देने वाला नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर दे दिया है। ये ओडीओपी की योजना अपने आप में एक मिसाल है। 75 जनपदों की 75 उत्पाद, अब तो अलग अलग जनपदों में और भी नए उत्पाद हमारे सामने आए हैं। लोग उसके बारे में कहते हैं, साहब हम इसको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हरेक ने कुछ न कुछ नए मील के पत्थर गढ़े हैं। और इस बीच बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा से टॉप 10 बदमाश।